नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा। साथियों, 50% महिला आरक्षण के मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, ये सरकार इस बिल को लेके आई है जब से ही बेरोजगार युवा छात्रों में एक अजीब सी बेचैनी और एक परेशानी देखने को मिल रही है। साथियों, 20 तारीख को जो शहीद स्मारक पे हमने प्रदर्शन करा था, जो आंदोलन करा था, उसी के बलबूते पर राजस्थान सरकार को पीछे हटना पड़ा था। और राजस्थान सरकार ने बड़ी चालाकी से, साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया कि हम इसको BSTC में लागू रखेंगे, बाकियों में इसे हम लागू नहीं करेंगे। साथियों, सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने छात्रों को कमजोर करने के लिए ऐसा कार्य किया। और साथियों, ये हमारी ताकत थी जो राजस्थान को पूरे कोने कोने से उस दिन जो छात्र पहुंचे थे, उनकी ताकत थी कि सरकार को पीछे हटना पड़ा था। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी, जो मेरे BSTC के भाई है, जो मेरे लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, साथियों, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। साथियों, पहले भी सरकार को पीछे हटाया है, पहले भी सरकार को झुकाया है, और आगे भी साथियों इस मामले पे सरकार को हम झुकाएंगे, सरकार को पीछे हटाएंगे। साथियों, बीच में कुछ लोगों ने आपको भ्रमित किया और लोगों ने CM के लेवल पे और अन्य तमाम चीजों को लेकर आपके सामने उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो चीजें करी, उससे पूरे राजस्थान के युवा परेशान हुए। और आज भी आंदोलन का एक कॉल दिया गया था और वो भी एक असफल रहा। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे युवाओं के कॉल आ रहे हैं कि मनोज भाई, आज का आंदोलन था वो नहीं हो पाया। साथियों, आपको इस चीज को लेकर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उन लोगों की नीयत साफ नहीं थी। वो लोग सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर रहे थे, सरकार की तरफ से खेल रहे थे, और उन्होंने उनका काम कर दिया जो सरकार ने उनको काम दिया था। अब वो उस काम को करके अपने घर चले गए हैं, क्योंकि साथियों, सरकार के द्वारा उन लोगों को प्रायोजित तरीके से आपके बीच में भेज के इस प्रकार से आंदोलन को बिगाड़ा गया था। जो आपके सामने खुद BJP के नेताओं ने CM से वो वार्ता करवाई, जो खुद उसपे आज तक एक शब्द नहीं बोले, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि सरकार ने किस प्रकार से षड्यंत्र करके BSTC के छात्रों के साथ में धोखा किया था। साथियों, ऐसे लोगों से आपको भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है। और साथियों, आगे की रणनीति को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे पे भरोसा बनाए रखें, इस लड़ाई को शुरू से और लास्ट तक लड़ने का काम करेंगे। 20 तारीख को भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी थी और आगे भी लड़ेंगे। साथियों, अभी जल्दी कल और परसों मेरे 2 दिन प्रदर्शन है कर्मचारी चयन बोर्ड में। साथियों, 3 तारीख और 3 को मैं अलवर जा रहा हूँ, 4 को मैं चौमू जा रहा हूँ, और आने वाले समय में ये 10-15 जिलों में मैं घूमने के बाद में, साथियों, बहुत जल्दी 5-7 दिन में कोशिश करूंगा कि 1 तारीख आपको मैं दे दूं। और साथियों, अभी विधानसभा भी शुरू हो जाएगी 3 तारीख से, और फिर से साथियों विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे राजस्थान के युवाओं को जयपुर बुलाने का कार्य करेंगे। साथियों, लेकिन ये है कि आपकी जो संख्या है वो हजारों में रहनी चाहिए। साथियों, आप कम से कम 10,000 की संख्या में अगर जयपुर पहुंचोगे तो साथियों सरकार पीछे हटेगी। बहुत जल्दी आपको तारीख बताई जाएगी। अभी साथियों मेरा प्रयास है कि जिन जिलों में मैं नहीं पहुंचा हूं, वहां पहुंच के बेरोजगार छात्रों से इस मुद्दे पे संवाद करूं और मजबूती से सरकार को पीछे हटाने को लेकर रणनीति बनाकर सरकार को मजबूर करें कि सरकार पीछे हटे। सभी युवाओं से कह रहा हूं, आप धैर्य बनाए रखें, आप विश्वास बनाए रखें, आपको कमजोर नहीं पड़ना है, आपको हताश नहीं होना है, आप मजबूती से जुटे रहिए और साथियों साथ बने रहिए। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, और मजबूती से 1 तारीख देंगे और उस तारीख को फिर से विधानसभा घेराव करेंगे। आप सबको जयपुर आना है, बहुत जल्दी आपको तारीख बताई जाएगी। अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपके साथ में कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूँ और मैं आगे भी खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।